लाइक वो लोग मजा आ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमेशा मकर संक्रांति 14th ऑफ जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि तिथि के हिसाब से दो दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति। तो हमारे यहाँ भी 15th ऑफ जनवरी को मकर संक्रांति हम लोग भी मना रहे हैं, और बहुत लोग कल भी मनाए होंगे मकर संक्रांति 14th ऑफ जनवरी को। तो हमारे घर पे आज क्या क्या बनता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रखा है उछला तिल। इसका बनता है गुड़ में डाल के लाई, गुड़ की। और यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये है चूड़ा। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ इसका लाई और इसका लाई उछले तिल का। और यहाँ मैं रोस्ट कर रही हूँ तिल। और ये बहुत ही गंदा तिल का लाई बन रहा है, ये बहुत अच्छा बन रहा है तिल का लाई। वो तो कल समझ में आएगा जब हम लोग इसका भोग लगाएंगे। ऐसा कोई बनाता ही नहीं है, हमको लग रहा है इतना अच्छा कोई नहीं बनाता है। ढेला जैसा, यही कंक्रीट है, इसका रोड बनता है। ये है उसका इंग्रेडिएंट, गुड़ है, तिल है, चाय पत्ती है। वो डिपेंड करता है उस तिल का खर्च होना कि कैसा बनता है ये। अगर अच्छा बना तो वरना तिल फेंक दिया जाएगा। तिल क्यों फेंक दिया जाएगा, यूज हो जाएगा। कुछ यूज नहीं, फेंक देंगे हम जिस काम के लिए, वही घटिया होगा, कहाँ से उसको रखेंगे हम। क्या चल बोल, ये देखिए, बोलो मम्मी क्या कर रही है अभी। मम्मा क्या कर रही है, खाने बना रही है, लड्डू बना रही है, लाई 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 बना रही है। किस चीज का, तिल का? हाँ। किस काम के लिए, किस काम के लिए? कल क्या है, मकर संक्रांति। और ये भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, आप देखे होंगे कि मैंने कैसे किस तरह तिल का लाई, जैसे कहते हैं तिल का लड्डू भी कह सकते हैं, वो मैंने बनाया था। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन ये चावल, तिल का लाई और ये पैसा रख के, वो दो ही सिक्का मिला है, दो अभी मिला नहीं है। ये पैसा रख के पहले नहा कर इसे छुआ जाता है, और उसके बाद फिर दही चूड़ा खाया जाता है। चुल के पापा नहा के आ गए, अब ये छुएंगे। हाँ कोई सा भी राम 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 चुल चुल का सर है। चुल चुल पूजा करने, पूजा करने के बाद हम लोग खाएंगे दही चूड़ा और लाई। तो फिर मिलते हैं खाने के साथ। और यहाँ पर दही चूड़ा, गुड़, आलू गोभी, मटर का सब्जी, टमाटर का चटनी, मूढ़ी का लाई, तिलकुट, और ये जो कल लाई हम बनाए थे वो, ये सब निकल चुका है। और चुलबुल के पापा जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिए क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, और चुलचुल गोद में सो रहा है। आज सैटरडे को भी ऑफिस जाना है इनको। वैसे हमारे यहाँ वो कोहरा का भी सब्जी बनता है, लेकिन कोहरा मिला नहीं, इसीलिए ये हम लोग अभी खाएंगे। और अभी तक चुलबुल उठा नहीं है, वो उठेगा, उसके बाद फिर ये छुएंगे चावल, लाई और पैसा। तो आप लोग अपने घर में मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और जाके मेरे ब्लॉग्स देखिए, दीघा की ब्लॉग्स, और चुल चुल के फर्स्ट बर्थडे का ब्लॉग जो कि हम लोग घर में ही सेलिब्रेट किए थे। मे बी मैं ये इसके पहले डालूंगी इस ब्लॉग के, या इसके बाद डालूंगी।
तो देखते हैं कब डालते हैं, कब एडिटिंग हो पाते हैं और कब डालते हैं ये व्लॉग, और उसके बर्थडे का व्लॉग उसके पहले डालता है या इसके बाद। तो प्लीज आप वो व्लॉग भी जाके देखिए एंड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे यहाँ इस तरह से मनाई जाती है मकर संक्रांति। ओके, तो हमारे यहाँ ये सब बनता है, आप लोग भी अपने घर में अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे मकर संक्रांति, तो ये पूरा व्लॉग जरूर देखिए। और हमारे यहाँ बनता है खिचड़ी, पापड़ चोखा, तिलौरी। मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और ये व्लॉग पूरा जरूर देखे। और चुलबुल चुलचुल जब उठते तो मैं उन लोगों को दिखाती हूँ वो, और फिर मिलते हैं आपसे रात में। चुलबुल तैयार हो गया है और अब जा रहा है क्या करने, चूने ये वाला राम राम ऐसे 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 करो, राम राम कहो, राम राम राम, अच्छे से छुओ, नहीं लगेगा हाथ में, छुओ अच्छे से, चावल भी छुओ, पैसा चावल सब। इसको लग रहा है कि हाथ में लग जाएगा, हाथ में नहीं लगेगा बेटा, हाथ में कैसे लगेगा, ऐसे छुओ अच्छे से, जैसे ये मेरा छुआ हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे छुओ, हो गया हो गया। अब चुलबुल क्या खाएगा, इधर साइड कर देता है, और अब चुलचुल भी छुएगा, चुलचुल को लेकर आइए, राम 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 राम। चलो रख दो चल चल, ज्यादा नहीं छीटना है, हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक, और अब हो गई है शाम और मैं चुलचुल के साथ आ गई हूँ किचन में। चुलचुल भी आज काम करेगा, किचन काम करने आया हो हर बात में। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ और उसका भैया आ गया, वो पीछे घूम के देख रहा है कौन आया, भैया आया। ये दो शाम हो गई है, रात होने वाली है, और मैं आई हूँ किचन में बनाने खिचड़ी। हमारे यहाँ शाम में खिचड़ी बनता है तो मैं आई हूँ खिचड़ी बनाने, और यहाँ चुलचुल भी आ गया, ये काली माई बने हुए हैं। ओके, तो मैं बनाने आई हूँ खिचड़ी, तो अब हम लोग जा रहे हैं खिचड़ी बनाने। और यहाँ पे बनती है वेज खिचड़ी, उसमें आलू गोभी मटर ये सब मिक्स करके बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खिचड़ी बनाने की। से हाय 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 हाय, ओ चुलचुलाई कर रहे हाय। ओके, तो आज दिन भर क्या की, एक वेब सीरीज हमने देखा नेटफ्लिक्स पे, और काली काली आंखें बहुत अच्छा वेब सीरीज है उसका, हम लोग देख रहे थे मूवी, कौन सी, पुष्पा, वो भी चली रहा है, पर खाने को लेट हो रहा था, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो मैं यहाँ खिचड़ी का सामान निकाल ली हूँ, गोभी आलू आपको दिख रहा होगा, गोभी आलू प्याज, और ये मैंने मटर। सबसे पहले मैं जा रही हूँ चुलबुल का ये पॉपकॉर्न बनाने, है ना, चुलबुल पहले पॉपकॉर्न खाएगा उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ रेडी हो गया है चुलबुल का, दिख रहा है पॉपकॉर्न, और वो यहाँ मैंने खिचड़ी और मूंग सॉरी यहाँ मैंने चावल और मूंग का दाल धो के रखा है, और मैं इसे अलग कुकर में अलग से बस खिचड़ी बनाऊंगी, और जो बाकी का सब्जी उसमें डलेगा, ये गोभी आलू प्याज मटर जो भी डलेगा वो मैं अलग फ्राई करूंगी कढ़ाई में, क्योंकि साथ में बनाने से ये सारे सब्जी उसमें गल जाते हैं, फिर वो गल जाते हैं तो फिर वो पता ही नहीं चलता उसमें सब्जी है भी या नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे अलग फ्राई करूँगी। और तब तक मैं इस कुकर में खिचड़ी सिंपल नमक हल्दी
और दाल चावल दाल मूंग की दाल और चावल डाल के मैं चढ़ा देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ सब्जी काटना, जिससे मैं अलग अलग ही मैं फ्राई करूँ। सो ऑप्शन शुरू है। क्या हो रहा है चुलचुल? ये चुलचुल का डांस म्यूजिक पे चुलचुल डांस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है चुलचुल? अच्छा लग रहा है। और चुलचुल झांक रहा है नीचे और चुलबुल भी डांस कर रहा है। हाँ क्यों क्यों दी डांस? कैसे है चुलचुल? और ये मेरी सब्जी फ्राई खिचड़ी बन चुका है, मैं उसे ऑफ कर चुकी हूँ। और ये सब्जी हो रही है फ्राई, उसके बाद ये थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद इसमें मैं ये खिचड़ी में मैं ये मिक्स करूँगी। बना ले तो बैगन चोखा, बैगन और आलू का चोखा। तो फाइनली तैयार हो गया ये खिचड़ी, आपको दिख रहा होगा। और ये है पापड़, ये रोस्टेड पापड़ है, बाकी तले हुए पापड़ है। और ये है चुलबुल के लिए चिप्स, बहुत पसंद है। ये है चोखा जो कि आलू और टमाटर का मिक्स चोखा है। और ये है बैगन का चोखा। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं, निकालते हैं खाना। तो यहाँ पे बन गया है खाना और निकल चुका है चुलबुल, जा रहे खाने। क्या खाना है? क्या है वो? मछली। अच्छा मछली है। कैसे है? ओके तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कैसा बना है खिचड़ी? नमक ज्यादा है। तो चलिए हम लोग खाते हैं खाना। नमक ज्यादा वाला। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नमक ज्यादा के साथ। ओके तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बार फिर से सबको हैप्पी मकर संक्रांति तक के लिए बाय।